हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। और आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं। ये होममेड स्टाइल पिज़्ज़ा है, तवे पे बनाएंगे हम। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ऐसे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये आप ब्रेड लीजिए, मैंने यहाँ ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और प्याज एक बड़ा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, एक शिमला मिर्च है बड़ी टुकड़ों में कटी हुई, चीज़ स्लाइसेस हैं, आप किसी भी तरह की चीज़ स्लाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस ही कीजिएगा, क्यूब नहीं कीजिएगा। इसलिए क्यूब भी करें अगर तो उसे ग्रेट करके इस्तेमाल करें। बटर लिया है मैंने, सॉल्ट लिया है मैंने, ऑरेगेनो पाउडर लिया है, और फ्लेक्स लिए हैं, चिली फ्लेक्स लिए हैं, यहाँ मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है, और यहाँ मैंने टेस्ट इन्हेंसर लिया है, गार्लिक इन्फ्यूज टेस्ट इन्हेंसर है, आप किसी भी शॉप पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। और ये मैंने प्यूरी बना के रखे हैं टमाटर और प्याज की। इसमें मैंने 3 बड़े टमाटर और 1 प्याज छील के पानी में उबाल लिया है 5 से 10 मिनट। उसके बाद इसको बिना पानी, इसका सारा पानी निकाल के इसको पीस लिया है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पेस्ट बना ली है। ये बॉईल टमाटर और प्याज की 5 से 10 मिनट बॉईल करके उसकी पेस्ट बनाई हुई है। और आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन ऑन कर दिया, पहले हम इसकी ये जो टमाटो सॉस होता है वो बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमने गैस ऑन कर दी है, अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। अब इसमें मैं ये 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, 2 से 3 टेबलस्पून। देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाता है उसके बाद हम इसके अंदर ये शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च देखिए हमने डाल दिया, इसको चला लेंगे अच्छे से। देखिए शिमला मिर्च हम चला लेंगे इसको अच्छे से, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, वेजिटेबल्स का क्रंच रहना चाहिए, इसीलिए हमने टमाटो प्यूरी है जो ये पका ली है ऑलरेडी, तो इसको सॉस को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, ये सारा बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। बस इसको 2 मिनट के लिए चलाना है ताकि ये इसका कच्चा हल्का सा कच्चा स्वाद आता है वो निकल जाए, सब कुछ पहले से ही पका हुआ है। ये देखिए अब प्याज को भी थोड़ी देर हमने चला लिया है, देखिए इसको ऐसे चला लेंगे हम। अब इसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, देखिए सॉल्ट देख के ही डालिएगा, स्वाद अनुसार नमक डलेगा इसमें, इसमें वाइट पेपर पाउडर डलेगा, ये 1 छोटा चम्मच वाइट पेपर पाउडर डलेगा, और चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, मैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डालूंगी, ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 1 ही चम्मच मैं इसमें ऑरेगैनो डालूंगी। अब इसको चला लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर ये टेस्ट इन्हेंसर जो मैंने बताया था आपको, ये डालेंगे, ये थोड़ा सा ही डालेंगे। जिसके पास टेस्ट इन्हेंसर नहीं हो, अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके आसपास, तो आप क्या करेंगे, तो आप गार्लिक इस्तेमाल करेंगे, फ्रेश गार्लिक इस्तेमाल करेंगे कद्दूकस करके इसकी जगह पे। अब इसके अंदर ये हम टमाटो प्यूरी जो करके रखी है हमने, प्याज और टमाटर की, ये डाल देंगे हम इसमें। और इसको भी हम चला लेंगे, आंच फुल पे ही रखेंगे,
एक मैं आपको इंग्रेडिएंट बताना भूल गई थी, वो है टमाटो केचप। मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डालती हूँ, एक छोटा सा चम्मच टमाटो केचप का डालती हूँ मैं इसमें। देखिए, एक चम्मच टमाटो केचप भी डालेगा इसमें। देखिए, इस स्टेज पे हमारा ये 5 मिनट बस पकाएंगे इसको। 5 मिनट के बाद ये हमारा सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे, तो इसका टेस्ट कर लेते हैं, नमक टेस्ट कर लेंगे हम इसका। थोड़ा सा नमक मैं और डालूंगी। नमक को बिल्कुल अच्छे से टेस्ट कर लीजिएगा। इसको 5 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हम पिज़्ज़ा बनाना शुरू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा 5 मिनट उबलने के बाद सॉस तैयार हो गया था। इसे मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। देखिए हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है। मैंने तवा चढ़ा दिया है, ये पिज़्ज़ा हम तवा पे बनाएंगे। तो देखिए मैंने तवा चढ़ा दिया है और ये ब्रेड का स्लाइस लिया है। ये थोड़ा हम इस पर बटर लगाएंगे, एक साइड पे बटर लगा देंगे, दोनों साइड नहीं, एक साइड बटर लगाएंगे। ये देखिए, एक साइड अच्छे से हम इसको बटर लगा देंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमने बटर लगा लिया है। इसके बाद इसे हम ऐसे ही, अच्छा एक मैं बात बताना भूल गई, बटर लगाने से पहले आपको एक प्लेट लेनी होगी इस तरीके की, ऑंडी होनी चाहिए। देखिए देखिए, जिसमें ब्रेड स्लाइस बिल्कुल आसानी से आ जाए। देखिए इस तरीके की, देखिए इस तरह की प्लेट ले लीजिए जो ढकने के काम आएगी, क्योंकि इसके अंदर हम छोटा सा अवन टाइप का बनाएंगे, तो ब्रेड सिक जानी चाहिए और उसके ऊपर चीज़ पिघल जानी चाहिए। तो हीट जनरेट करने के लिए हमको इतनी सी प्लेट की ज़रूरत होगी जो ढकने के काम आए, जो तवे से बड़ी नहीं हो हमारे, और ब्रेड साइज़ उसके अंदर बिल्कुल आराम से आ जाए। तो ये मैं बताना भूल गई थी। और हम इस पर ब्रेड स्लाइस डालेंगे, बटर वाला साइड नीचे डालेंगे, आंच धीमी पे रखेंगे गैस की। अब मैंने इसमें इसमें सॉस डाल दूंगी, ऊपर से ही सॉस लगा दूंगी अच्छे से। ये अच्छे से फैला दीजिए इस पर सॉस। सॉस को इस पर पिज़्ज़ा ब्रेड पे हम अच्छे से फैला देंगे। ध्यान रखिए गैस धीमे पे रखिएगा, नहीं तो ब्रेड जल जाएगा। बहुत धीमे पे ही रखिएगा, गरम नहीं होना चाहिए गैस। अब हमने ये डाल दिया। अब मैं मेयोनीज बताना भूल गई थी आपको। मेयोनीज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब थोड़ी हम इसमें मेयोनीज डालेंगे। एगलेस मेयोनीज डालिए, एग वाली मेयोनीज डालिए, इट डिपेंड्स टू ऑन यू। और आप मेयोनीज नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल भी नॉट डालिए, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसका टेस्ट फिर भी वैसा ही बहुत अच्छा आएगा, पर चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, चीज़ के बगैर पिज़्ज़ा का मज़ा नहीं आता। और फिर उसके बाद ये ब्रेड स्लाइस रख दीजिए, ब्रेड स्लाइस के ऊपर ये चीज़ रख दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। और ये ऐसे ही धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए बस सिकने दीजिए इसको, जब तक चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि हमारा सॉस पका हुआ है ब्रेड पे, नीचे से क्रंच आ जाएगा और ऊपर से चीज़ पिघल जाएगी। आइए देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद देखिए हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है और इसे मैं सर्व कर दूंगी। देखिए